हेलो माय डियर पैशनेट नीट नीट एस्पिरेंट्स वेलकम बैक टू मैग्नेट आईआईटी मैं हूं डॉक्टर भारद्वाज आपकी बायोलॉजी मेंटर और आज के इस सेशन में डे थ्री में हम बात करने वाले हैं एनिमल किंगडम को लेकर तो एनिमल किंगडम में हमें कुछ चीजें जो बहुत इंपॉर्टेंट पढ़नी है हम वो क्विकली रिवाइज करेंगे ग्लांस में और उसके बाद सॉल्व करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एज वेल एज दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन जहाँ पर एनिमल किंगडम को हम देखेंगे आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं एनिमल्स की तो जो एनिमल सिस्टमैटिक्स था उनका ये क्राइटेरिया था उनका ये थॉट था कि हम सारे जो एनिमल्स हैं उनको ग्रुप्स में डिवाइड कर दें ठीक है डिवाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी क्योंकि उनकी इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अलग अलग थे ठीक इवोल्यूशनरी बेसिस पर उन्हें डिवाइड करने के बारे में सोचा गया ग्रुप दैट ओरिजिनेटेड फ्रॉम सिंगल दिंगल एक किसी पूर्वज से निकल के आने वाला जो ग्रुप है स्पीशीज का इंक्लूड ऑल ऑफ इट्स डिसेंडेंट्स सच एज ग्रुप विच इज कॉल्ड एज मोनोफाइलेटिक ग्रुप इन विच एनिमल कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेट रेटेड रिलेटेडनेस मतलब अगर मैं बोलूंगी कि मोनोफाइलेटिक है मोनोफाइलेटिक है तो मोनो का मतलब होता है वन और फाइलेटिक फाइलोजेनी का मतलब होता है एंसेस्टर के साथ रिलेशनशिप मतलब कि सिर्फ वन एंसेस्टर से एक ही पूर्वज से निकल के आई है स्पीशीज तो वो कहलाता है मोनोफाइलेटिक ग्रुप तो ऐसे इस तरीके से एंसेस्टर रिलेशनशिप पर ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया यहां इंपॉर्टेंट है मोनोफाइलेटिक ग्रुप होप आपने नोट कर लिया होगा नेक्स्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम डिफरेंट एंसेस्टर अब जैसे वहां मोनोफाइलेटिक था उस तरीके से यहां पर पॉलीफाइलेटिक है पॉलीफाइलेटिक पॉली का मतलब होता है मेनी पॉली का मतलब होता है मेनी और फाइलेटिक इज फॉर एंसेस्टर तो बहुत सारे अलग अलग एंसेस्टर से भी कुछ ग्रुप बने सिंस ईच ग्रुप शुड हैव सिंगल एंसेस्टर अ पॉली ग्रुप रिफ्लेक्ट्स इन सफिशियंट नॉलेज ऑफ द ग्रुप और ऐसा तो देखो हो नहीं सकता कि एक ही जो एंसेस्टर है उससे कई सारे ग्रुप बने हो सही एंसेस्टर से एक ग्रुप इस तरीके से हुई जो था, था, उसको ये माना जाता था कि यार इसमें नॉलेज कम है अभी इसमें पता नहीं चल रही है बहुत सारी बातें कुछ चीजें हिडन है इसीलिए अब पैराफाइलेटिक ग्रुप इंक्लूड सम बट नॉट ऑल इसीलिए फिर एक और डिस्कवर किया जिसको बोलते हैं पैराफाइलेटिक ग्रुप इसको क्या बोलते हैं पैरा ग्रुप पैराफाइलेटिक ग्रुप में पार्शियल पार्शियल एंसेस्ट्री का पता चलता है यानी कुछ ऑर्गेनिजम्स के बारे में एंसेस्टर्स पता चल जाते हैं कुछ के बारे में पता नहीं चलते तो ये हो गई एंसेस्टर्स की लेके बाद अब एनिमल किंगडम को दो सब किंगडम्स में डिवाइड किया गया पहला था प्रोटोजोआ दूसरा था मेटाजोआ प्रोटो Proto, प्रोटोजोआ और मेटाजोआ अब ये प्रोटोजोआ और मेटाजोआ क्या होते हैं जल्दी से क्विक रिविजन डिफाइंड एज सिंगल सेल यू ऑर्गेनिज्म एक सेल वाले और यू केरियोटिक सेल मतलब कि वेल वेल डिफाइंड डिफाइंड न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनलीज वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं दैट फीड हेट्रोफेटिकोट्रोफिकली मतलब दूसरों पे डिपेंड करते हैं अपना खाना लेने के लिए एंड एग्जिबिट डाइवर्स मोटिलिटी मैकेनिज्म और अलग अलग उनका चलने का मूवमेंट का मोटिलिटी का स्ट्रक्चर होता है है तो वो वो ग्रुप कहलाता है प्रोटोजोआ क्या-क्या है यहाँ पर सिंगल सेल है यूकैरियोट है मोटिलिटी डिफरेंट है हेटरोट्रोफिक है सिमिलरली जब मेटाजोआ आया तो इसी का एडवांस था मेटाजोआ जहाँ पर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे स्ट्रक्चर उनका यूकैरियोटिक था फर्दर इनको तीन ब्रांचेस में डिवाइड किया गया मिजोजोआ पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ क्लियर तो ये हमने क्या देखा प्रोटोजोआ मेटाजोआ मेटाजोआ को फिर डिवाइड कर दिया गया मेटोजोआ मल्टी डिवाइड किया गया तो बना मेजोजोआ पैराजोआ एंड यू मेटाजोआ नाउ द नेक्स्ट अब एग्जांपल्स आपने ये लिख लिए पैरा मेटा और यू मेटाजोआ ओके नाउ अब हम बात करें अगर एनिमल किंगडम की तो कैसे डिविजन हुआ एग्जाम्पल्स के साथ देखिएगा मैंने बोला कि प्रोटोजोआ था और मेटाजोआ था प्रोटोजोआ और मेटाज़ोआ मेटाज़ोआ के अलग से तीन ग्रुप बने एक था मिजोजोआ पैराज़ोआ एंड एंटरोज़ोआ तो ये मिजोजोआ जो था इसकी बॉडी में कोई टिश्यू नहीं होता था इसमें एक्सटर्नल लेयर थी सीलिएटेड सेल की यानी कि सीलिया प्रेजेंट है छोटे-छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स माइन्यूट वर्म्स थे पैरासाइट्स थे जो छोटे-छोटे वर्म्स पैरासाइट्स और मरीन एनिमल्स इन सब में आते थे एग्जांपल है डिकिमा ठीक है नेक्स्ट पैराजोआ की बात करें तो टिश्यू तो इसकी बॉडी में भी नहीं था डिप्लोब्लास्टिक थे, यानी कि दो लेयर की दो सेल्स की अलग अलग लेयर बनी थी जिससे बॉडी बनी है और क्वानोसाइट प्रेजेंट थे स्पॉन्जेस के फॉर्म में तो फाइलम पॉरीफेरा से एग्जाम्पल निकाला है ल्यूकोसोलेनिया एंड साइकोन एग्जाम्पल अलग से लिखते चलिएगा एग्जाम्पल याद करने फिर आया एंटरोजोआ अब एंटरजुआ में टिश्यू मिलने लगा देखो यहां पर कोई टिश्यू नहीं था यहां डिप्लोब्लास्टिक मिला पैराजुआ लेकिन एंटेजुआ में

डिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल थी यानी कि एक्टोडम एंडोडम मीजोडम तीनों प्रेजेंट थी ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था यानी कि बॉडी में अब ऑर्गन दिखने लगे थे और वो भी कैसे दिख रहे थे सिस्टम फॉर्म करके फिर इसे डिवाइड किया गया ए सीलोमेटा सीडो एंड सीलो यू सीलोमेटा ए सीलोमेटा में कोई सीलोम नहीं होती ए लगा है मतलब एबसेंट और सीडो में फॉल सीलोम होती है यानी बीच में जो मीजोडाम है उसके पैचेस दिखते हैं एम स्पेस कैविटी में तो ये है आ, सीडो सीलोम और ट्रू सीलोम। तो जो नो सीलोम वाले थे वो थे प्लेटी हेलमिनस और जो सीडोसीलोम सिलोमेट्स थे वो थे निमेथेलमेंट्स यानी कि एस्कैरिस एस्कैरिस ल्यूम ठीक फिर आया शीजोसिलोमेटा एंड एंटरोसिलोमेटा शीजोसीलोमेटा क्या होता है जब सिलोम डेवलप हो सॉलिड मीजोडर्म से सिलोम यानी कि बॉडी कैविटी किसकी बनी हो मीजोडर्म जो सेंटर लेयर होती है सेल की डेवलपमेंट के दौरान एग्जाम्पल है एनेलिडा

यूरोडे का एग्जाम्पल था हर्डमेनिया हर्डमेनिया बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इसको स्टार बना के याद कर लेना नीट में बहुत पूछते हैं और सिफेलोकॉर्डेटा था एम्फियक्शियस और फिर था वर्टिब्रेटा तो ये हमारी बात हो गई किसकी कि हम और कैसे डिवाइड करेंगे ऑर्गेनिजम्स को जो एनिमल्स थे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स की अब जो वर्टिब्रेटा थे उसमें दो चीजें देखी गई एग्नेथा है या ग्नेथोस्टोमेटा है मतलब कि जॉ प्रेजेंट है माउथ में या नहीं है अगर नहीं है तो एग्नेथा कहलाएगा सिफेलोकॉर्डेटा एम्फॉक्शियस जॉलेस वर्टिब्रेट साइक्लोस्टोमेटा टेरोमाइजोन माइक्सिन ऑस्ट्राकोर्डरमी और सिफेलोप एंड टेराप्सिस ये सारे के सारे एग्नेथा हैं एग्जाम्पल के नाम याद रखने एग्नेथा मतलब कि जिनके पास जॉ नहीं है और गनेथोस्टोमेटा होते हैं जॉड वर्टिब्रेड जिनके पास जॉ प्रेजेंट होता है जॉ वाले जो हैं वो दो टाइप के थे एक पाइसेज यानी कि फिशेज थी और दूसरे टेट्रापोडा जिनके पास चार पैर होते थे टेट्रा मतलब फोर पोड मतलब कि लिम तो चार पैर वाले टेट्रापोडा जो पाइसेस थी फिशेस थी उनको फिर डिवाइड किया

जो रेंग चलते हैं जैसे कि टॉर्टोइज लिजर्ड स्नेक्स उसके बाद है एव्स जैसे कि कीवी पिकॉक यानी कि एव्स बर्ड्स और उसके बाद मैमल्स जैसे कि रैबिट और रैट तो इस तरीके से हमने क्लासिफाई किया हुआ है होप आपने इन सबको लिख लिया होगा एक-एक करके हम सारे जो पर्टिकुलर ग्रुप्स हैं एनिमल किंगडम में जो इंपॉर्टेंट है उसको पढ़ेंगे पहले हम पढ़ेंगे पोरीफेरा पोरीफेरा के कुछ फीचर्स पॉरीफेरा के पास मल्टी मल्टीसेल्युलर बॉडी होती है कैसी बॉडी होती है मल्टी सेल्युलर बॉडी होती है और सेल्युलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बना होता है यानी कि सिर्फ सेल्स की बॉडी बनी होती है इज 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 नो 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 टिश्यू सिस्टम सबसे पहला ग्रुप हम जो पढ़ रहे हैं नेक्स्ट होता है इसके पास फ्री लिविंग ज्यादातर मरीन में रहते हैं मरीन वॉटर में रहते हैं या सोलिटरी या कोलोनियल सॉलिटरी मतलब कि अकेले रहेंगे कोलोनियल मतलब कि कॉलोनी फॉर्म करके भी रहते हैं बॉडी इनमें

तो ये वाटर में से अपना खाना ऑप्टेन कर लेते थे पजेस स्मॉल छोटी छोटी पोर्स होती हैं जिसमें है तो उसको बोलते हैं है है। कैविटी है जिसको हम स्पॉन्जियोशील बोलते हैं ठीक तो ये कुछ फीचर्स हुए नेक्स्ट है, है एक बड़े पोर से ये वाला जो बड़ा पोर है इसका नाम क्या होता है इसका नाम होता है ऑस्क्यूला इसका नाम क्या होता है ऑस्क्यूला आपने स्पॉन्जेस देखेंगे छोटे छोटे होल्स रहते हैं होल्स में से वाटर अंदर चला जाता है ऊपर एक बड़ा होल रहता है पूरा वाटर यहाँ से जाएगा और बड़े वाले होल से बाहर आ जाएगा तो जब पानी अंदर जाएगा बॉडी में तो वहीं पर फूड रख लेगा फूड पार्टिकल्स वहीं पर गैश एक्सचेंज हो जाएगा और फिर वेस्ट जो होगा वो किससे ऑस्क्यूला से बाहर हो जाएगा कैनाल्स एंड स्पॉन्जोसील्स आर लाइन बाय फ्लैजुलेटेड सेल्स जिसको कौन, बोलते हैं या कॉलर सेल्स और बीच में जब ये वाटर का फ्लो होता है तो उस कैनाल में आ, कौन, वो क्वानोसाइट्स uh, प्रेजेंट होते हैं जैसे सीलिया होता है ना वो क्यों प्रेजेंट होते हैं कि जब वाटर यहां से जाएगा और ऊपर की तरफ जाना है अगेंस्ट दी ग्रेविटी तो ये पूरा पुश कर देंगे वाटर को सीलिया प्रेजेंट रहते हैं छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर वो पुश कर देते हैं वाटर को सेंसरी एंड नर्व सेल्स आर एबसेंट इनको किसी चीज का सेंसेशन नहीं होता कोई नर्व सेल्स इनके पास नहीं है बॉडी वॉल में दो लेयर होती हैं तो डिप्लोब्लास्टिक डिप्लोब्लास्टिक बॉडी वॉल में दो लेयर क्या क्या होती हैं एक्टोडर्म और एंडोडर्म वाली तो पिनाकोडर्म और कोडर्म नाम से इनमें प्रेजेंट होती है में वो दोनों लेयर कौन है पिनाकोडर्म लिख लीजिए एंड कोडर्म इससे क्वेश्चन आएगा तो आप पहचान जाएंगे लूजली अरेन्ज सेल एंड मीजन कायमा इज प्रेजेंट इन बिटवीन बीच में मीजन कायमा प्रेजेंट होगा बॉडी के पास एंडोस्केलेटन होता है भी अंदर स्केलेटन दिखता है स्पिक्यूल्स होते हैं कंपोज ऑफ कैल्केरस सिलेशियस स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स स्पिक्यूल्स यानी कि ऐसे छोटे छोटे आ, क्या कहना चाहिए उसको क्या बोलते हैं कांटे जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं डाइजेशन इंट्रा भाई अब इनके पास ना टिश्यू है ना ऑर्गन है न ऑर्गन सिस्टम है तो डाइजेशन कहाँ होगा सेल के अंदर तो इंट्रा सेल्युलर होलोजोइ हो, डाइजेशन सारी चीजें एज ए होल बॉडी के अंदर चली जाती हैं रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन जो सिंपल डिफ्यूजन से हो जाता है मैंने बताया वाटर जा रहा है सिंपल सिंपल प्रोसेस चलेगा एंड रिप्रोडक्शन ए होगा ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म नहीं है ए सेल्युलर मतलब सेल्युलर ऑर्गेनिज्म है तो ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हो जाएगा एक्सटर्नल इंटरनल बर्ड फॉर्म हो जाएंगी सेक्शुअल मेथड जब होगा तो गेन्यूल्स हो जाएगा मास ऑफ एराक्यूसाइट्स मिल जाएगा होप दिस इज क्लियर नेक्स्ट हम बात करेंगे पॉरीफेरा खत्म सीलेंट्रेटा सीलें जो है उसके फीचर्स में रेडियल टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है, है, और्गानिज, और्गानिज, है. इससे पहले पॉरीफेरा में सेलर ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन थी अब थोड़ा एडवांसमेंट आपको सीलेंट्रेटा में देखने को मिलेगा जहां पर टिश्यूज विल बी फॉर्म ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शन

नेक्स्ट इनकी बॉडी में माउथ माउथ होता होता है, एंड होता है, एंड अलग से प्रेजेंट होगा विच लीड्स इन टू स्पेशियस कैविटी जिसको गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या फिर सीलेंटरॉन कहते हैं और माउथ तो प्रेजेंट है माउथ से जुड़ी हुई एक कैविटी प्रेजेंट है यानी कि खाली जगह प्रेजेंट है जिसको हम डाइजेस्टिव

इंटरस्टिशियल सेल कौन से ग्रुप में देखे जाते हैं अभी अपन जब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे नर्व सेल्स कहां पे हैं सेंसरी सेल्स जो है वो कौन से ग्रुप में है तो ये सारे फैक्टर्स आपको कहां मिल जाएंगे, जाएंगे. एक से से एक्टोडर्म से निकल कर आते हैं टेंटिकल्स इज यूज फॉर ऑफेंस एंड डिफेंस किसी को मारने के लिए टेंटिकल्स जो है वो यूज होंगे नीडोब्लास्ट या फिर निमेटोसाइट्स के फॉर्म में नीडो के लिए ये इंपॉर्टेंट है इसे मार्क कर लीजिए लिख लिया डन ओके नाउ द नेक्स्ट डाइजेशन इंट्रा सेल्युलर यानी सेल के अंदर भी हो सकता है सेल के बाहर भी हो सकता है रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन सिंपल प्रोसेस से डिफ्यूजन से हो जाएगा और नर्व्स का एक नेटवर्क होगा जो पूरी बॉडी में फैला हुआ होगा क्योंकि इनकी बॉडी सिर्फ सेल्स की बनी है अब हम बात करेंगे प्लाटी हेलमेंट्स प्लाटी हेलमेंट्स जो होते हैं वो यूजली फ्लैट होते हैं ठीक है बायोलेट्रल सिमेट्री देखी जाती है जब इसे बीच में से डिवाइड करोगे तो बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी ट्रू मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं बॉडी मल्टी सेल्युलर स्ट्रक्चर की बनी है ऑर्गन ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि ऑर्गन्स दिखने लगे इससे पहले टिश्यू ग्रेड दिखता था अब ऑर्गन तो अगर आप लेवल पर याद रखोगे तो आपको याद रहेगा सीक्वेंस सिक्वेंसिंग फ्री लिविंग होते हैं तो पानी में मिल जाएंगे या फिर लैंड पर भी मिल सकते हैं ज्यादातर पैरासाइटिक होते हैं पैरासाइट में एक्टो और एंडोपैरासाइट दोनों हो सकते हैं यानी कि बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं ये और बॉडी के बाहर भी रह सकते हैं किसकी बॉडी होस्ट की बॉडी ठीक है तो उस बेसिस पर एक्टो पैरासाइट यानी बॉडी में ऊपर जो रहता है जैसे कि लाइस हो गई लीच हो गई एंडोपैरासाइट जो वर्म्स हमारे इंटेस्टाइन में या स्टमक में जाकर रह लेते हैं बॉडी इज डॉसो वेंट्रली कंप्रेस्ड एंड लाइक बॉडी एकदम फ्लैट फ्लैट तभी तो बोला है बॉडी एकदम पतली बॉडी है बॉडी इज ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि तीन लेयर्स प्रेजेंट है कौन कौन सी एक्टोडम मीजोडम एक्टोडम मीजोडम एंड एंडोडम तीनों लेयर प्रेजेंट मिल जाएगी ठीक है, है। है? है, होता का क्या मतलब है? कि भाई body plan में बस एक mouth की opening है, नीचे से रास्ता बंद है. एक ही ओपनिंग है जो की की तरह act करेगी, as well as की तरह act करेगी, करेगी। so ये क्वेश्चन नीट में पूछते हैं कि ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान किसमें देखा जाता है पहली बार देखा गया था प्लेटी हेलमेंट में इसे मार्क कर लीजिए डन ओके Now, है. Wall, कोई एक नहीं है. बीच में, पूरे में कनेक्टिव टिश्यू भरा हुआ है डाइजेस्टिव सिस्टम इनकम्प्लीट है एनएस इज एबसेंट मैंने अभी बताया ना देखो यहां पर एनएस एबसेंट है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम सिर्फ एक ओपनिंग है एंड रेस्पिरेशन अकर बाय सिंपल डिफ्यूजन अभी तक रेस्पिरेशन के लिए कोई ऑर्गन नहीं आया प्लेटी हेलमेट में भी सिंपल डिफ्यूजन के प्रोसेस से रेस्पिरेशन हो रहा है जब भी एक्सक्रीशन होगा यानी कि रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, तो इसके लिए इनके पास होते हैं स्पेशल सेल जिनको हम कहते हैं फ्लेम सेल या फिर सोएलोनोसाइट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्लेम सेल्स या फिर इसको नीट लिख के इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना फ्लेम सेल्स पे बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है. जो होता है वो के जैसा, जैसा यानी कि बीच में सेंट्रल नर्व होगी और फिर उनमें बहुत सारा ऐसे कनेक्शन होगा तो लैडर की तरह दिखता है आ, क्या इसका लैडर लाइक नर्वस टिश्यू होता है ठीक है कनेक्शन बना के रखता है सेंट्रल वाला एक रहेगा और वो पूरे बॉडी में नर्व्स का जाल बिछाए रहेगा नेक्स्ट इनके पास हाई कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की अगर कोई बॉडी पार्ट टूट जाए तो रीजनरेट कर जाएंगे इसीलिए इनके पास उस उसके लिए होते हैं नीडोब्लास्ट सेल्स

डेवलपमेंट दोनों हो सकता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब उसके बाद ऑर्गेनिज्म और, और अगर बीच में कोई स्टेज आती है तो वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट अब आता है हमारा एश्लमेन्स प्लेटी हेलमेंस इज डन एश्लमेन्स जो होते हैं उनमें ज्यादातर पैरासाइट्स प्रेजेंट होते हैं फ्री लिविंग फॉर्म में ठीक है पैरासाइट दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए आ, शेल्टर के लिए बॉडी कैसी होती है लॉन्ग सिलेंड्रिकल फ्यूजिफॉर्म पॉइंटेड एट बोथ एंड्स एंड सिमेट्रिकल बीच में से जब डिवाइड करोगे दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी लॉन्ग सिलेंडर के जैसी पेन के जैसी बॉडी होती है बॉडी वॉल इज कम्पोज ऑफ क्यूटिकल एपिडर्मिस एंड मस्क्यूलेटर क्यूटिकल मतलब ओवर स्किन जैसी लेयर रहेगी और एपिडर्मिस आउटर लेयर रहेगी और फिर मस्कुलेचर यानी कि मसल स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा इनके पास फॉल्स बॉडी सीडोसिलोम होता है फॉल्स सीलोम फॉल्सिलोम सीलोम का मतलब है एक्टोडर्म एंडोडर्म के बीच में मीजोडोम के पैचेस दिखेंगे मीजोडर्मल एपिथीलियम डिराइड फ्रॉम एम्ब्रियोनिक ब्लास्टोसील जैसे हमारा गैस्ट्रोला ब्लास्टुला गैस्ट्रोला मॉरिला ब्लास्टुला गैस्ट्रोला बनता था उस समय जो ब्लास्टोसील होती थी वहां पर लाइनिंग दिखेगी डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है है रेस्पिरेशन सिंपल डिफ्यूजन से हो रहा है। और अगर डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है तो फिर माउथ और एनस प्रेजेंट होगा नर्वस सिस्टम में इनके पास एक नर्व रिंग होती है और बहुत सारे लॉन्गिट्यूडनल नर्व सेल्स होते हैं एक एक रिंग होगी और फिर बहुत सारे सेल्स होंगे यूजली शॉर्टर देन फीमेल मेल की हाइट इसमें छोटी होती है फीमेल की हाइट इसमें बड़ी होती है है और पूरी दुनिया में ये एक यूनिक फीचर है ह्यूमन में कि मेल बड़ा होना चाहिए और फीमेल छोटी होनी चाहिए वरना पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही क्राइटेरिया चलता है फीमेल बड़ी होती है और मेल छोटा होता है सारे ऑर्गेनिजम्स में सिर्फ ह्यूमन बींग्स में ऑपोजिट है तो सबसे ज्यादा तादाद कपल की कैसी होती है हमारे दुनिया में जहां पर मेल की हाइट छोटी और फीमेल की हाइट बड़ी होती है तो मेल्स आर यूजुअली शॉर्टर देन फीमेल बहुत कॉमन एग्जांपल अब यहां पर इंपॉर्टेंट है डिफरेंट कलर के पेन pen, पेंसिल से, से मार्क कर लेना एस्कैरिस यानी कि राउंड वर्म पैरासाइट फैकल्टेटिव एरोब होता है जो इसके बाद रेबिडेटिस फ्री लिविंग होता है डराक्यूनलिस गनियावॉर्म जिसको बोलते हैं एंटरोबाएस जो होता है वो पिनवर्म होता है ट्राइक्यूरियस जो होता है वो विपवर्म होता है वुचेरिया जो होता है वो फिलेरियलवर्म होता है लुवाजुवा जो होता है वो आईवर्म होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है जस्ट मार्क इट डाउन मार्क कर लिया ओके नाउ द नेक्स्ट अब हम आ गए हैं एनीलिडा की बात करेंगे एनीलिडा फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है जमीन में या पानी में दोनों जगह पाया जा सकता है इसके बाद बॉडी लॉन्ग सिलेंड्रिकल मेटामेरिकली सेगमेंटेड प्रेजेंट होते हैं यानी कि छोटे 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 सेगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं और इन सेगमेंट्स में रिपीटेशन ऑफ ऑर्गन्स होता है कम से कम एटलीस्ट कुछ ऑर्गन्स तो रिपीट होते हुए दिखते हैं बॉडी वॉल कंसिस्ट ऑफ क्यूटिकल एपिडर्मिस मस्कुलेचर आउटर कवरिंग है एपिडर्मिस और थोड़ा सा मस्कुलर दिखेगा बॉडी कैविटी में ट्रू सिलोम होता है ट्रू ट्रूसिलोम यानी कि एक्चुअली ट्रू ट्रूसिलोम का मतलब है ये एक्टो डर्म ये एंडोडर्म ठीक है और दोनों साइड में एक्टोडर्म एंडोडर्म के पास इस तरीके से मेसोडर्म चिपकी हुई होगी और इसके बीच का जो ये वाला स्पेस होगा ये होगा सीलोम ये प्रेजेंट है सीलोम सीलोम का मतलब क्या होता है बॉडी कैविटी बॉडी कैविटी ठीक है तो सिलोम में एक मिल्की होता है जिसको कंटेनिंग डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं फैगोसाइटिक म्यूकोसाइटिक सर्क्यूलर सेल एंड क्लोरोगोनजे सेल डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होता है तो ये चार टाइप के सेल्स पूछे जा सकते हैं ये नोट कर लीजिए डन ओके नाउ द नेक्स्ट इज़ रेस्पिरेशन इनमें स्किन के द्वारा होता है स्किन से या गिल से रिस्पायर कर लेते हैं कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं है फिर एक्सक्रीशन इनके पास होता है नेफ्रिडिया से इंपॉर्टेंट है एनिलिडा में नेफ्रिडिया से एनिलिडा में नेफ्रिडिया से हो जाता है एक्सक्रीशन क्लोरा क्लोरागजे सेल्स जो होते हैं येलो सेल्स को अर्थवम आर एनलोग वर्टिब्रेट लिवर सेल्स इनके पास लिवर सेल्स भी मिल जाएंगे सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप का होगा क्लोज टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब है ब्लड ऑलवेज फ्लोज इन ब्लड ऑलवेज फ्लोज विद इन ब्लड वेसल्स ब्लड ऑलवेज फ्लोज विद इन दी ब्लड वेसल्स इसका मतलब कि क्लोज्ड वेस्कुलर सिस्टम है इसके बाद अब हम बात कर रहे हैं एनिलीडा में हीमोग्लोबिन कैसा होता है डायरेक्टली प्लाज्मा में हीमोग्लोबिन मिल जाएगा न्यू नर्वस सिस्टम जो है उसमें नर्व रिंग होगी डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड सेगमेंटल गैंग्लिया डबल वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड दिखेगी गैंग्लिया यानी कि ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स अलग से दिखेगा लोकोमोशन में मदद करने के लिए मूवमेंट का एक स्ट्रक्चर यहाँ पर पहली बार देख रहे हैं जहाँ पर सीटे या पैरापोडिया होगा पेरापोडिया या फिर सीटें होंगे एंड रिप्रोडक्शन सेक्सुअल मेथड से होगा डेवलपमेंट हो जाएगा या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट मैंने बताया या तो लार्वा बनेगा टेटपोल बनेगा या बिल्कुल नहीं बनेगा अब हम बात कर रहे हैं आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा के जो स्ट्रक्चर होते हैं जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके ज्वाइंटेड हैं और लार्जेस्ट फाइलम होता है तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है इस फाइलम को लार्जेस्ट कहते हैं एनिमल किंगडम में क्योंकि सेवेंटी एनिमल स्पीशीज आर्थ्रोपोडा की है दुनिया में यानी सारे ऑर्गेनिज्म से ज्यादा कौन सा ऑर्गेनिज्म दुनिया में प्रेजेंट है तो सारे के सारे कीड़े मकोड़े दुनिया में ज्यादा प्रेजेंट है एंड दीज आर फ्री लिविंग एक्वेटिक आराम से इधर उधर घूमते हुए फ्रेश वाटर में या पानी में या जमीन पर या कहीं पैरासाइट के फॉर्म में रह सकते हैं सारे कीड़े मकोड़े ठीक नेक्स्ट बॉडी जो है वो इलांगेटेड होती है बीच में सेगमेंट हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते डिस्टिंग्विश रहती है जैसे हेड थोरैक्स और एब्डोमेन हेड होगा थोरैक्स होगा और एब्डोमेन होगा ऐसे बॉडी डिवाइडेड रहेगी जैसे कि कॉकरोच में भी मिलता है बॉडी हैज एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ हार्ड इंपर्मिएबल सब्सटेंस जिसको काइटिन तो काइटिन की बनी हुई बॉडी होती है काइटिन की बनी हुई बॉडी होती है जो हार्ड सब्सटेंस होता है कैसा होता है हार्ड अब डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट रहेगा यानी कि माउथ और एनस दोनों प्रेजेंट है सर्कुलेटरी सिस्टम इनमें ओपन टाइप रहेगा ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम हार्ट से ब्लड निकला ब्लड वेसल से बॉडी में गया बॉडी में सारे सेल्स को सारे टिश्यूज को सारे ऑर्गन्स को ब्लड से बढ़िया नहला दिया एक्सचेंज ऑफ मटेरियल किया और वापस से वो जो वेस्ट वाला ब्लड होगा वो वापस से हार्ट के पास आएगा ताकि वो वापस से प्योरीफाई हो सके यानी कि ब्लड कम्स आउट ऑफ दी ब्लड वेसल सो दैट इज दी व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम अगर ब्लड हमेशा ब्लड वेसल्स में फ्लो कर रहा है तो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन के लिए गिल्स ट्रेकिया या बुक लंग्स तो ये इंपॉर्टेंट है बुक लंग्स कहां

लोकोमोटरी ऑर्गन चलने के लिए इनके पास होते हैं. तभी तो कहलाते हैं, ये मैंने बता दिया था और रिप्रोड्यूस करने के लिए डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्ट भी हो सकता है इनडायरेक्ट भी हो सकता है जरूरी नहीं है कि एक जैसा ही हो ल्यूमनेसेंट इंसेक्ट होते हैं यानी कि रोशनी देने वाले बायोल्यूमिट की प्रॉपर्टी तो फोर्टिनस लैमप्रेज एंडर जेनराबियर लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन ऑन एबडोम अब्डोमिन स्ट्रक्चर में लाइट प्रोड्यूसिंग ऑर्गन होता है एग्जाम्पल है मास्किटो कॉकरोच, एपिस आर्नियो पोलोमिन एंड स्कोलोपेड्रॉन, ये सेंट्रीपीड होते हैं ठीक है नेक्स्ट अब हम बात करेंगे मोलस्का तो मोलस्का का फाइलम जो है उसमें फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स है बॉडी जो है वो सॉफ्ट है सेगमेंटेड है डिफरेंशिएट रहेगी तीन रीजन में हेड विसरल हम्प एंड फुट ये इंपॉर्टेंट है विसरल हम्प हेड एंड फुट के फॉर्म में डिफरेंशिएटेड बॉडी रहती है कवर्ड रहती है छोटे से फिलामेंट से जिसे फ्लैशी मेंटल बोलते हैं विथ सेक्रीट कैलकेरस शेल जिसके पास कैल्शियम वाला शेल मिलेगा यानी कि कैलकेरस शेल इसके बाद इसके पास बॉडी कैविटी जो रहती है वो रिड्यूस रहती है सीलोम मिलेगा मोलस्का की जो स्टडी uh, होती है उसको बोलते हैं मेलेकोलॉजी कहलाती है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट मिलेगा ठीक है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो गिल्स के फॉर्म में या टीनिडिया के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं लोकोमोशन चलने के लिए इनके पास मस्कुलर फुट होते हैं फुट होते हैं मसल वाले रिप्रोडक्शन सेक्सुअली हो जाता है ये यूनिसेक्सुअल दोनों हो सकते हैं और हमेशा डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करेंगे अब हम बात करेंगे echinodermata. Echinodermata, होते हैं और ज्यादातर एक्सक्लूसिवली मरीन फॉर्म्स में होते हैं Adults जो होते हैं वो रेडियल शो करेंगे जबकि लार्वा इनके बहुत तेज है लार्वा

डिविजन uh, होगा जहां पर कौन से सेल्स मिलेंगे सेल्स मिलेंगे डिस्क में बियर एक्सटेंशन कॉल्ड आर्म और डिस्क के पास आर्म्स होंगे डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट होगा प्रॉपर माउथ और एनस यूनिक अम्बल कॉल अमराकल वाटर वैस्कुलर सिस्टम होगा वाटर वैस्कुलर सिस्टम किसमें देखा जाता है हमको स्टारफिश में भी देखने को मिलता है ट्यूब फीट होंगे यानी कि पानी से चलेंगे फ्लूइड के मैकेनिज्म से चलेंगे फीट ट्यूब फीट फॉर लोकोमोशन रेस्पिरेशन एक्सटेंडेड एंड रिट्रैक्टेड बाय वेरियस हाइड्रोलिक प्रेशर फ्लूइड इन देम एंड कॉन्ट्रैक्टाइल ऑफ देयर मसल्स फ्लूइड इनका क्या अब जैसे मान लो कि ये एक

सॉरी रेडिएटिंग नर्व्स, ठीक है रिप्रोडक्शन सेक्सुअल तरीके से होगा सेपरेट सेक्सेज होते हैं यानी कि मेल और फीमेल इंडिविजुअल्स अलग से होते हैं डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है यानी कि एक बीच में लार्वा या टेटपोल जैसा कुछ फॉर्म मिल जाएगा एंड हाई पावर ऑफ रीजनरेशन होता है अगर कोई पार्ट इनका मिस हो जाए टूट जाए तो ये रीजनरेट कर जाते हैं अब आता है हेमिकॉर्डेटा हेमिकॉर्डेटा में ज्यादातर मरीन ड्यूट्रोस्टोम एनिमल्स होते हैं और सारे के सारे वर्म की तरह दिखते हैं जैसे कि अकॉर्नवर्म एग्जाम्पल लिखिए अकॉर्नव बाट्रल सिमेट्री होती है एक ही पोजीशन से डिवाइड करने पे बॉडी दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी ट्रिप्लो बॉडी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट होता है बकल रिप्रेजेंट प्रोबोसिस मुंह जो है वो प्रोबोसिस से दिखेगा बॉडी डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन बॉडी में तीन रीजन देखने को मिलते हैं प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक प्रोबोसिस कॉलर एंड ट्रंक ये तीन हिस्से मिलेंगे और इनके पास ग्लोमेरुलस प्रेजेंट होगा एक्सक्रीशन के लिए पहली बार ग्लोमेरुलस हेमिकॉर्डेटा में देखा गया था नीट का क्वेश्चन

तीन यूनिक फीचर हैं एटलीस्ट ड्यूरिंग अर्ली स्टेजेस ऑफ देयर डेवलपमेंट पहली चीज इनके पास रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसको नोटोकॉर्ड बोलते हैं इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट राइट इट डाउन रॉड लाइक स्ट्रक्चर जिसे नोटोकॉर्ड बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के ऊपर प्रेजेंट होती है ट्यूब जैसी होती है और नर्व कॉर्ड लाइंग अबव द नोटोकॉर्ड एंड पेयर ऑफ गिल स्लिट्स सबसे ऊपर

डिसियर ड्रियोनिक स्टेज एम्ब्रो के स्टेज में गिल्सलेट्स भी डिस एम्फोक्शियस एंड थ्री कॉर्डेट कैरेक्टर्स प्रेजेंट थ्रू आउट दी लाइट और ये पूरे तीन कैरेक्टर्स पूरे जीवन भर प्रेजेंट दिखते हैं फाइलम को तीन सब फाइल में डिवाइड किया गया है एक, आ, क्या क्या है यूरोडेटा सिफेलो कॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा अब वापस जाओ जो, जो मैंने आपको टेबल पढ़ाया था वहां मैंने इन सब के एग्जाम्पल पढ़ाए हैं यूरोटाडेटा एज वेल एज एज वेल एज Vertebrita. यहां पर हमने अपना कंप्लीट कर लिया है डे थ्री का एनिमल किंगडम और अब बारी है कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करने की फटाफट से कॉपी पेन निकाल लीजिए तैयार हो जाइए और क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेट्स गेट स्टार्टेड ओके सो द फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट वी हैव इज शीजोलोमेट्स एंड एंटरसिलोमेट्स आर एसिलोमेट ट्रू सिलोमेट इनवर्टिब्रेट और एकाइनोडर्मेटा एकाइनोडर्म्स ओनली तो बात हो रही है शीजो सिलोमेट और एंट्रोसिलोमेट जिनको बोला जाता है कि ये होते हैं ट्रू सिलोमेट ये क्या होते हैं ट्रू सिलोमेट दीज आर ट्रू सिलोमेट्स ट्रू सिलोमेट्स का क्या मतलब है जिनके पास ट्रू बॉडी कैविटी होती है ट्रू बॉडी कैविटी यानी कि स्पेस इनसाइड दी बॉडी ट्रू बॉडी एम्प्टी स्पेस इन साइड जहां पर है, फिर का चिपका हुआ है फिर थोड़ी सी स्पेस खाली है देखा जाता है, है एंट्रोसिलोमेज जो है वो है ट्रू सिलोमेज सो ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर आई होप आप सबने भी यही मार्क किया होगा नहीं मार्क किया है तो लिख लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट कौन सा दिया गया ऑप्शन सही नहीं है और अच्छा इससे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूं ऐसी चीजों में भी हमें क्या याद रखना है एग्जाम्पल शीजोसिलोमेट नाम है एग्जाम्पल याद रखने अब नेक्स्ट है विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट यानी कि हमको फॉल्स स्टेटमेंट दिखाना है ठीक

दे शो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बॉडी में सिर्फ सेल्स ही प्रेजेंट है कोई भी टिश्यू नहीं बना ठीक नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन देखिए है कैनाल सिस्टम इन इज नॉट कंसर्न विद दिए गए कौन से वाले में काम नहीं करता कैनाल सिस्टम पहला रेस्पिरेशन न्यूट्रिशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तीनों ही स्ट्रक्चर्स में कैनाल सिस्टम काम नहीं करता तो none of the above हमारा आंसर होगा देखिए uh, में कौन सा uh, जो है स्ट्रक्चर वो दिया जाता था एज अ मैरिज गिफ्ट मतलब एज अ प्रेजेंट दिया जाता था एक चीज ध्यान देना यहां पर पौरे फेरा को लेके सिर्फ कैनाल सिस्टम से क्वेश्चन पूछा है ठीक है मतलब कोई एक फीचर को उठाकर किसी फाइलम में से पूछ लिया गया अभी भी अगर आपको पूरी तरह नहीं याद हुआ है वापस से जाके सेशन देखने की जरूरत है ठीक है अब देखो फोर्थ वाला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा है जापान में कौन सा स्ट्रक्चर ज्यादातर गिफ्ट के फॉर्म में शादियों में दिया जाता था यानी कि मैरिज में दिया जाता था पहला ल्यूकोसोलेनिया नहीं यूप्लेक्टेला बहुत सुंदर यस हाइलोनेमा नहीं एंड स्पॉन्जिला नहीं स्पॉन्ज कौन देगा तो यूप्लेक्टेला जो है उसको एज अ मैरिज गिफ्ट यूज करते थे जापान में ठीक नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रेड रल विच इज यूज एज ऑर्नामेंट ऑर्नामेंट यानी कि ज्वेल की तरह कौन सा वाला रेड कोरल यूज किया जाता है पहला एस्ट्रिया नहीं फंजिया नहीं कोरेलियम एंड ट्यूबीपोरा अगेन यू नीड टू लर्न दी एग्जाम्पल तो कोलेरियम जो है वो यूज किया जाता है एज रेड कलर का ऑर्नामेंट जो कि पहनते हैं लोग ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा अकर्स इन किसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है स्काइफोजा हाइड्रोजोआ एक्टिनोजोआ निडेरिया किसी में नहीं जो देखा जाएगा वो है स्काइफोजोआ में ही एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हैल सिमेट्री बीच में से ऑर्गेनिज्म को जब डिवाइड करोगे तो दो इक्वल हाफ्स में डिवाइड हो जाए ऐसा कैरेक्टर किसमें देखा जाता है फ्लैट वर्म राउंड वर्म सेगमेंटेड वर्म एंड किस में देखा जाता है फ्लैट तो वर्म में देखा जाता है ये स्ट्रक्चर Clear? तो ये हमारे हुए मोस्ट एक्सपेक्टेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब हम बात करेंगे किसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की आई होप दिस विल मेक यू रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्जाम्पल दाउज हाउ दीज कंसेप्ट आर बींग आस्ट सिर्फ हमें थरो करने की जरूरत है देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चलते हैं पहला क्वेश्चन बॉडी हैविंग ये क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में ठीक है बॉडी जिसमें मेशवर्क ऑफ सेल्स है सेल्स का बना हुआ एक जाल है इंटरनल कैविटी है अंदर एक कैविटी मतलब कि खाली जगह है जिस पर लाइंड है फूड फिल्टरिंग फ्लैजिलेटेड सेल्स फूड फिल्टर करने के लिए फ्लैजिला वाले सेल्स इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फाइलम ये कौन से फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक है हमें क्या बताना है कि अगर बॉडी में मैश वर्क ऑफ सेल है इंटरनल कैविटी है बॉडी में लाइनिंग है फ्लाजिला की तो ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं कौन से सेल्स कहलाते तो ऑप्शंस में दिया हुआ है सीलेंट्रेटा पॉरीफेरा मोलस्का एंड प्रोटोजोआ सीलेंट्रेटा पॉरीफेरा मोलस्का भी दिया है और प्रोटोजोआ अक्सर स्टूडेंट्स इन दोनों में कंफ्यूज होते हैं किसमें मोलस्का में लेकिन वो नहीं हो सकता मैंने जब आपको पॉरीफेरा पढ़ाया तो मैंने वहां बताया था बॉडी कैविटी प्रेजेंट है सेल्स वहां पर मोटर को पुश कर रहे हैं तो क्या है हमारा आंसर ना सीलेंट्रेटा होगा ना मोलस्का होगा ना प्रोटोजोआ सही आंसर है पॉरीफेरा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर क्लियर गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इन केस ऑफ पॉरीफेरन अगर हम पॉरीफेरा की बात करें तो फ्लैजिलेटेड सेल कौन से हैं है. मैंने वहां पर भी मार्क करके बोला था ये इंपॉर्टेंट है नीट के लिए ठीक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2017 में नीट एग्जाम में आया था क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए सिलेक्ट द स्पीशीज ऐसा कौन सा टेक्सॉन है जो मरीन वाटर की स्पीशीज भी वाटर well की स्पीशीज भी एंड है तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो फ्रेश वाटर भी हो एज वेल एज मरीन भी हो वो है हमारा निडेरिया वो कौन है हमारा निडेरिया क्लियर सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फॉलोइ लिविंग ऑर्गेनिज्म कम्प्लीटली लैक सेलवॉल कौन से ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल बिल्कुल नहीं होती ये क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में सीबीएसई का भी था और कहा पूछा गया था ए में ऑप्शन में है साइनो बैक्टीरिया सी फैन यानी कि गोरगोनिया एंड या फिर ब्लू ग्रीन एल गई सी फैन जो होता है उसको गोरगोनिया भी बोलते हैं इससे भी क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है तो आपको ये वाला जो ऑप्शन है ये भी याद रखना है क्लियर समझ में आ गया अब देखो ऑप्शन क्या है सही आंसर क्या है साइनो बैक्टीरिया सीफैन या फिर सेखेरोमाइसिस या ब्लू ग्रीन आल राइट डाउन योर आंसर इसमें ब्लू ग्रीन आल मैं आपको अलग से ऑलरेडी एक बार पढ़ा चुकी हूँ

body

एक ही ओपनिंग है जो माउथ की तरह भी एक्ट करेगी और जो एनस की तरह भी एक्ट करेगी दोनों काम एक ही जगह से तो ये जो है स्ट्रक्चर ये किस में पाया जाता है देखिए ऑक्टोपस में बिल्कुल नहीं अलग से स्ट्रक्चर होते हैं एसटीरिया में नहीं एसिडिया में नहीं फैसिकोला जो होता है उसमें देखा जाता है कि एक ही ओपनिंग होगी विच विल सर्व एज माउथ एज वेल एज एनस ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्लेनेरिया हाई कैपेसिटी ऑफ प्लेनेरिया फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म जिसके पास सबसे ज्यादा कैपेसिटी होती है रीजनरेशन की रीजनरेशन की कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है रीजनरेशन की कैपेसिटी इज मोर ये क्वेश्चन है 2014 का

ओके सो दिस इज ऑल अबाउट दी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको ये सारी चीजें आई होप अच्छे से समझ आ गई होंगी प्रैक्टिस करते रहना है एग्जाम्पल का नाम याद करना पड़ेगा इतना टाइम अगर आपके पास नहीं है तो बस लिख के रख लो और लिखने से ही याद होगा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं अपनाएंगे एग्जाम्पल याद करने के लिए एक्चुअली अब हमको ये सारी वीडियो को देखते रहना है और ये सारे के सारे वीडियो आपको कहा मिलेंगे मैग्नेट ड्रीन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको टाइप करना है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट मैगनेट ड्रीन डॉट कॉम जैसे ही आप वो टाइप करेंगे तो एक ऑफिशियल पेज ओपन होगा जहां पर एक्सप्लोर टॉप कोर्सेस का ऑप्शन होगा वहां पर जाइए टॉप कोर्सेज को एक्सप्लोर करिए वहां पे नीट पर क्लिक करिए नीच में आपको अलग से नीट यूजी क्रैश कोर्स मिल जाएगा क्रैश कोर्स पर वॉच नाउ क्लिक करिए जैसे ही वॉच नाउ को क्लिक करेंगे एक ऑफिशियल पेज ओपन होगा जहां पर पूरा का पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और यहां पर पूरे वीडियोस दिए हुए हैं क्रैश कोर्स को लेकर तो आप इसमें बायोलॉजी पर क्लिक करिए जैसे ही बायोलॉजी पर क्लिक करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा वीडियो वीडियो इस तरीके से आपके सामने प्ले होने लगेगा आप सारी चीजें सीक्वेंस में अच्छे से देखकर रिवाइज कर सकते हैं सारी चीज समझ आ गई है तो चैनल को लाइक जरूर वीडियो को लाइक जरूर कर देना चैनल को करना है सब्सक्राइब एंड शेयर करना है अपने सारे फ्रेंड्स और सिबलिंग्स के साथ मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में तब तक के लिए थैंक यू सो मच